हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एक्सेल पे एक ग्राउंड प्लान कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, एक हाउस प्लान आप एक्सेल में कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये हम आ गए अपने एक्सेल पे। अब इसमें हम ड्रॉ करेंगे अपना एक हाउस प्लान, छोटा सा एक घर। पहले आपको चले जाना है रो हाइट पे और इसको सेव कर लेना है आपको 10 पे। अब आ जाएंगे का कॉलम विथ, इसको कर लेंगे हम, इसको कर लेंगे 1 और सेव कर लेंगे। अब ये जो प्लान आ गया है, ये आपका आ गया है हाउस प्लान ड्रॉ करने के लिए एक परफेक्ट जगह। तो अब इसमें हम ड्रॉ करेंगे अपना एक हाउस प्लान। तो चलो देखते हैं। पहले बॉर्डर पे जाएंगे, ड्रॉ बॉर्डर करेंगे, फिर इसका लाइन स्टाइल को थोड़ा ठीक रखेंगे। तो चलो इसमें ड्रॉ करते हैं, इसका थोड़ा छोटा कर लेते हैं साइज। अब इसमें हम एक स्क्वायर लेंगे, तो बड़ा हो गया, एक स्क्वायर लेंगे और इसमें ये हो गया आपका आउटर वॉल का जो बाउंड्री है। अब इसमें डिवाइड करेंगे हम रूम्स, तो ये आ जाएगा एक रूम, फिर यहाँ आ गया एक टॉयलेट और ये हो गया आपका किचन, फिर ये आ जाएगा आपका रूम, ये हो जाएगा एक दूसरा रूम। और इसको हम डिवाइड करेंगे छोटे छोटे रूम में, जब डिवाइड करेंगे उसका हम एंट्री निकालेंगे। तो हम करेंगे इसके इरेज बॉर्डर और इसको यहां से छोड़ देंगे। फिर करेंगे, पहले हम इसको इसका कलर कर लेते हैं, इसका जो आउटर बाउंड्री है इसका हम कलर कर लेते हैं। तो ये हो गया इसका बाउंड्री, इसको करेंगे हम डीप येलो। बाद में करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए पहले हम इसको इसका कलर कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो चलिए फटाफट इसका कलर कंप्लीट करते हैं। थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये आ गया एक वॉल, फिर एक वॉल, ये एक वॉल है और ये एक इनसाइड वॉल है। ये सारे जो वॉल दिए गए हैं, ये 5 इंच का वॉल है आपका। अब हम इसका एंट्री पॉइंट निकालेंगे, इरेजर लेते हैं और इसको इरेज कर लेते हैं, फिर इधर इसको इरेज कर लेते हैं, ये आ गया इसको। और इसका जो गेट है ये हो गया इधर से इरेज। अब क्या करेंगे, हम इसको क्लोज करेंगे, सारा जो इरेज किए हैं इसको सारा क्लोज करेंगे। ये आ गया आपका क्लोज, ये हो गया, ये हो गया ये। चलिए इसको फटाफट कंप्लीट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारा ये एंट्री पॉइंट सब निकल चुका है। अब इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट, जो एक्स्ट्रा पार्ट जो कलर हुआ है, इसको हम हटाते हैं। चलो इसको भी इरेज कर लेते हैं। तो अब चले जाएंगे बॉर्डर पे, क्लिक करेंगे, यहां से यहां तक सिलेक्ट करके इसको नो फिल करेंगे। इसका भी ऐसा सेम प्रोसेस है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम अपने जो एक्स्ट्रा जो कलर पार्ट था वो हम क्लियर कर चुके हैं।
अब हम इसका विंडो ड्रा करके, इसका हम ड्रा करेंगे विंडो, और इसको भी इसका जो एक्स्ट्रा कलर है वो निकालेंगे। ये आ जाएगा आपका एक रूम का विंडो, ये है इसका विंडो, ये छोटा सा विंडो दिया गया है इसमें। ये हो गया इसका छोटा सा विंडो। अब हम इसका एक विंडो देंगे, ये आ जाएगा इधर से इधर तक, सॉरी इधर तक, इसका एक विंडो हो गया। इसका फिर विंडो एक देंगे, ये हो गया इसका विंडो। विंडो जो है वो हम बड़ा साइज में दिए हैं क्योंकि इसमें जो लाइट आता है वो घर में सफिशेंट आ सके। तो आप चाहे तो इसका छोटा साइज का दे सकते हैं विंडो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका जो विंडो का एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम इरेज करेंगे, एक्स्ट्रा जो कलर है उसको हम इरेज करेंगे। सेम प्रोसेस है, सिलेक्ट करके नो फिल कर देना है, इसको भी हम ऐसे करेंगे, सिलेक्ट करेंगे फिर नो फिल करेंगे। सेम प्रोसेस में हम सारे जो विंडो का जो एक्स्ट्रा पार्ट जो कलर हुआ है विंडो का उसको हम हटाते हैं। ये हमारा हट चुका है सारा विंडो का जो कलर, और इसमें हम विंडो का जो बाकी पार्ट है वो ड्रॉ करते हैं। एक रेक्टेंगल सिलेक्ट करके उसको हम इधर सेट करते हैं, फिर इसको एडजस्ट करके मिडिल को लाते हैं और इधर ब्लैक करके इसको छोड़ देते हैं। ये हो गया विंडो का। फिर इसको हम कॉपी करके इधर भी पेस्ट कर लेते हैं, इसको भी एडजस्ट कर लेंगे। इसका जो नीचे का पार्ट है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको नीचे तक लाके छोड़ देंगे, फिर इसको साइड में लाके एडजस्ट कर देंगे। ये हो गया इस विंडो का कंप्लीट कलर, और बाकी जो विंडो है इसके भी सेम प्रोसेस हम कॉपी और पेस्ट करके इसको एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए फटाफट इसको खत्म करते हैं। ये हमारा सारा जो विंडो है वो कंप्लीट हो चुका है, और अब इसका हम गेट ड्रॉ करेंगे। इसके लिए ड्रॉ बॉर्डर पे जाने के इधर हम सिलेक्ट करेंगे एक लाइन, और ये जो है ये एक आर्क है, इसमें ये वॉल आ गया है, इसको हम हटाएंगे पहले, इसको इरेज करते हैं। इरेज करते हैं और इसको नो फिल करके सेव करते हैं। इसको ड्रॉ बॉर्डर करके थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। ये आ गया नो आर्क, इसका एक आर्क आ गया है। अब यहाँ एक स्टेयरकेस डिजाइन किया गया है, अब हम इसको स्टेयरकेस को कंप्लीट करते हैं। ये हो गया, और अब हम इसका जितना भी स्टेयरकेस है वो कंप्लीट करते हैं। ये सब स्टेयर्स हैं, स्टेप्स हैं, ये आ गया इधर तक, इसका एक लाइन आ गया इधर, ऐसा करके हम चलिए कंप्लीट करते हैं इसे। अब ये हो गया आपका स्टेयरकेस। अब आप चाहे तो इसके नीचे एक टॉयलेट, कॉमन टॉयलेट की तरह एक टॉयलेट यूज में ले सकते हैं, बना सकते हैं, और नहीं तो डाइनिंग भी आप इधर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डाइनिंग के लिए आपको सफिशियंट जगह भी मिल जाएगा इधर, और चाहे तो एक कॉमन टॉयलेट भी इसके अंदर आ सकता है। तो ये कर लेते हैं हम एडजस्ट इसको,
तो ये आपका स्टेयरकेस कंप्लीट। अब हम ड्रा करेंगे इसका जो गेट पर्सन है ये हम ड्रा करते हैं। तो चलिए ये आ गया इसका गेट और इधर भी सेम लेंथ पे लेंगे, इधर इधर लेंगे इसका, इंसर्ट करके शेप लेके इधर एक लाइन लेके इधर लाइन को एक्सटेंड करेंगे इस पॉइंट पे और इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे, ब्लैक कर लेंगे और ये हो गया ब्लैक हो जाएगा। इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं, इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं, ये आ गया आपका एक गेट। इसी तरह शेप को जाके एक लाइन लेके इधर से इस लाइन को इधर एक्सटेंड करते हैं और इधर छोड़ देते हैं, फिर इसको शेप आउटलाइन जाके विड्थ जाके इसका विड्थ चेंज करके इसका कलर जो है ये ब्लैक रखते हैं। ओके ये आ गया। फिर उसी तरह इसको कॉपी करके इधर करेंगे पेस्ट, फिर इसको एक्सटेंड करके इधर लाएंगे और इसको इधर लाके छोड़ देंगे। ये आ गया, ये कंप्लीट हो चुका है। उसी तरह सारे चीज कंप्लीट करते हैं, जहाँ कुछ यहाँ थोड़ा जॉइंट नहीं हुआ इसको हम एडजस्ट करके इधर जॉइंट कर देते हैं। सेम प्रोसेस है, इसको करेंगे कॉपी और इधर करेंगे इसको पेस्ट, फिर इसको करेंगे एडजस्ट। ये आ गया इधर, फिर ये आ गया इधर, ये हो गया आउटर गेट। फिर इसका जो आउटर गेट के सामने जो मेन डोर है इसके सामने लाइन स्टाइल को इधर ये रखते हैं, नहीं ये नहीं दिखेगा, इधर रखते हैं। फिर इसके सामने हम ड्रॉ करेंगे एक दो स्टेप दिया गया है इसमें, अरे तीन स्टेप दिया गया है, एक दो तीन मेन डोर के लिए। इसी तरह हम विंडो के लिए भी ड्रॉ करते हैं। ये आ गया आपका विंडो, ये आ जाएगा दूसरा विंडो, इसका अच्छी तरह से एडजस्ट करके इधर छोड़ देना है। फिर ये तीसरा विंडो है, इसको भी इधर लाके छोड़ देते हैं। फिर ये आ गया आपका चौथा विंडो, सॉरी ये वेंटिलेटर है, वेंटिलेटर में हम ये नहीं देंगे सिंबल। ये आ गया आपका चौथा विंडो, ये आपका छोटा सा जो वेंटिलेशन है वो दिया गया है, इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम इरेज कर देंगे। ये आ गया आपका वेंटिलेशन, इसको भी विंडो स्टाइल में रख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये आ गया आपका वेंटिलेशन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और उसी तरह और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।